हेलो एक्वेरियस, आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये एक्वेरियस राशि वालों के लिए है। आइए देखते हैं नवंबर के आखिरी 10 दिन, नवंबर 2020 के आखिरी 10 दिन कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। पहले मैं टैरो से देखूंगी और मैं ओरेकल्स भी इंक्लूड करूंगी लास्ट में, आउटकम भी देखेंगे और मेरे हैंड रिटन मैसेजेस भी इंक्लूड करूंगी। तो आइए देखते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए नवंबर के आखिरी 10 दिन कैसे रहने वाले हैं। प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट्स, प्लीज गाइड मी फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर के आखिरी 10 दिन क्या है, कैसे मैसेजेस हैं। प्लीज गिव मी द मैसेज फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। ओके, होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे, राइट। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, टू ऑफ कप्स, फाइन। तो एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, मैं यहाँ पे देख पा रही हूं कि आप अगर ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे आपको लग रहा था कि पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, या हो सकता है आप घर के बड़े हों, आपके भाई बहन या आपके फादर मदर, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके कंधों पे है, या हो सकता है रिलेशनशिप में आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कि आपको लगता है कि बहुत ही बोझ है आपके कंधों पे और आप किसी सिचुएशन में अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। अगर कोई ऐसा है जो आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है या आपसे सच्चाई छुपा रहा है, तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। आप ऐसी किसी भी इंसान को या किसी भी रिलेशनशिप को जो आपको सर्व नहीं कर रही है उसे अपनी लाइफ से कट ऑफ करेंगे। आपके लिए ट्रूथ मैटर करता है, अगर आपसे कोई सच्चाई छुपा रहा है तो वो आपको सच्चाई बताएगा। आप एक न्यू स्टार्ट करेंगे। अगर आप किसी लीगल सिचुएशन से जा रहे हैं तो आपको जस्टिस मिलेगा। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, किसी ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला है, बर्डन किया है, या आपकी लाइफ में कुछ कंप्लीट हुआ है, तो आपको भगवान जस्टिस जरूर देंगे। भगवान आपके साथ हैं, जो जैसा करेगा उसको उसके हिसाब से जस्टिस जरूर मिलता है। जजमेंट कार्ड मुझे बता रहा है कि भगवान की तरफ से कुछ जजमेंट होना है, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर आप स्टक थे, आप बर्डन थे, या कोई आपसे कुछ छुपा रहा था, कोई आपको बैक स्टेप किया, कोई आपको चीट किया, धोखा दिया, तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपको जजमेंट जस्टिस मिलेगा, आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आता है, कम्युनिकेशन करता है और फिर वापस चला जाता है। हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं उसकी एनर्जी हो। यहाँ पे कुछ एक्वेरियस ऐसे हैं जो किसी चीज़ को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत केयर करते हैं किसी की, या तो वो अपने वेल्थ की, या अपने किसी रिलेटिव की, रिलेशनशिप की, या अपने पार्टनर की। बहुत ही केयरिंग नेचर है, बहुत प्रोटेक्टिव हैं। और कुछ लोग यहाँ पे न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप वाइज देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लोग कमिटमेंट दे सकते हैं, कुछ लोगों को किसी सिचुएशन में विक्ट्री मिलेगी और एक पैशनेट न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में।
जिसमें बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी और भगवान की मर्जी से होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। जो भी होगा डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन होगी आपके लाइफ में। अगर कुछ खत्म हुआ है तो न्यू स्टार्ट भी होगा, राइट। किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है, जो हमें बता रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस है, वेल्थ है, करियर वाइज सब कुछ परफेक्ट है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, आप किसी को स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर कर सकते हैं। अगर आप करियर में देख रहे हैं तो आप अगर बिजनेसमैन हैं या आप जॉब करते हैं तो आप फाइनेंशियली आपको गेन होगा, ठीक है, आपका फाइनेंस अच्छा होगा। आइए देखते हैं ओरेकल्स क्या ऐड करते हैं। दो कार्ड्स लूंगी मैं। बॉटम ऑफ द डेक है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में थे तो आपको बिलीव करना है कि अगर कुछ खत्म हुआ है, बिकॉज 10 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन, अगर कुछ खत्म हुआ है तो एक बहुत ही खूबसूरत न्यू स्टार्ट जरूर होगा। आपको विक्ट्री मिलेगी, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग होगी, आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप किसी लीगल मैटर से जा रहे हैं, अगर आप कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस समथिंग, तो पेपर वर्क ध्यान से करिएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन इज की, कम्युनिकेशन जरूरी है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, पास्ट को आपको पीछे खींचने मत दीजिए, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, अबंडेंस आएगा। आउटकम देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, अक्वेरियस राशि वालों के लिए आउटकम। द वर्ल्ड बॉटम ऑफ द डेक है द मजिशियन। आप में कैपेबिलिटी है, आप कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो आपके लिए न्यू स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग होगी। आप मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। आपकी लाइफ में आप जो भी सोचेंगे वही होगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। अपने हैंड रिटन मैसेजेस में से दो मैसेज लूंगी मैं। ओके, दो आ गए। 2 months हीलिंग, 2 months, हो सकता है 2 महीने में कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हीलिंग हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग कर रहे हों, ठीक है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो एक्वेरियस राशि वालों, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल 1111 ट्विन फ्लेम टैरेट विद एम सिंह को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।